तो जब भी हम अपने घर की विंडो के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं और वहां पे ऐसा फील लेते हैं जैसे बीच पे बैठे हो, नेचुरल लाइट का कोई कमी नहीं है, हवा एकदम प्यारी वहां से आ रही है। और जैसे ही हम विजुलाइज कर रहे होते हैं एकदम से हमारे माइंड में हो जाती है रेस शुरू कि भैया डिजाइन कौन सा लेना है, कि मटेरियल कौन सा लेना है। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप अपने घर की विंडो का डिजाइन खुद से कर पाएंगे। और एक बोनस टिप, और वो क्या है, वेट करो, वो अगर आपने यूज कर लिया मार्केट में बहुत सस्ते रेट पे मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता विंडो पुरानी है या नहीं, बट अगर लगा दिया तो आपकी विंडो जो है वो रिच और बहुत ही धांसू विंडो दिखने वाली है, जहां पे लोग आपके घर पे आके फोटो खींचे जाएंगे कि हमारी भी ऐसी बना दो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंटरनेट कोच पर। मैं आपका इंटरनेट कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सरावत, जहां का बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और सेकंड वाली टैगलाइन को अब हम हटा देंगे, नेक्स्ट वीडियो से आपको शायद सुनने वाले, क्योंकि अब हम घर खुद ही बनाने लग गए हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि 20th of July को हम वो चीज लेके आ रहे हैं जिस पे हम मेहनत तो 3 साल कर रहे थे, लेकिन 8 महीने पे जाके, जब पिछले 8 महीने में हमने उसको काम शुरू कर दिया, जो डिजाइन बेसिकली आउट ऑफ वर्ल्ड चलते हैं, दुबई, चाइना, जापान, इस एरिया में, जिसको हम लेके आए इंडिया में, वो भी इंडियन बजट के हिसाब से। तो जल्दी हमारे सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे लिंक आ जाएगा, उस लाइव को आप ज्वाइन कर लेना। उस लाइव के वैसे पेड है, बट अगर आपने 17th of July से पहले ज्वाइन कर लिया, उस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो वो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना देरी करें आते हैं सीधा अपनी विंडो पे। तो कोई भी विंडो डिजाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स का पता होना चाहिए, और ये 4 पॉइंट आपको पता लग गए तो बन गए आप भी एक इंटीरियर डिजाइनर। तो जब भी हम विंडो डिजाइन करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है साइज, दूसरा होता है उसका डिजाइन या स्ट्रक्चर, मतलब कितने शटर्स आएंगे, कैसे क्या छोड़ना होगा वो सब, तीसरा होता है उस विंडो का मटेरियल, मतलब कि लकड़ी, यूपीसी क्या यूज करना है, चौथा हमारा होता है कलर, कि उस विंडो का पर्टिकुलरली फ्रेम का कलर क्या रखना है, और फिफ्थ होता है हमारा वो हिडन एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसे मैं वीडियो में साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो विंडो की डिजाइन एंड प्लेसमेंट करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दीवार का साइज क्या है, बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है कि आपकी दीवार का मिनिमम साइज जो विड्थ है वो 10 फुट होनी चाहिए, और जो हाइट है वो मिनिमम टू मिनिमम 8 फुट होनी चाहिए। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, उसके बाद सारी चीजें सिंपल ही होने वाली हैं। तो स्टैंडर्ड साइज जो आपको विंडो का एज्यूम करना है वो लेना है 6 feet by 4 feet, मतलब कि 6 feet by 4 feet का हो गया, सॉर्टेड। नेक्स्ट जो इसमें क्या करना है कि अगर आपके अब वॉल का साइज बड़ा है या छोटा है, और आप कहते हैं यार मनीष आपने तो 6x4 का बता दिया, लेकिन हमें तो इस विंडो का साइज का बढ़ाना है या घटाना है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो रेशो चलेगा वो कैसे चलेगा। अगर विंडो का साइज विड्थ में 6 फुट है और हाइट 4 फुट है, आप वो कहते हैं यार मनीष हमें थोड़ी सी बड़ी करनी है, तो जितनी विड्थ में आप बड़ी करोगे उतनी ही हाइट में आपको उसका आधा हिस्सा बड़ा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर विड्थ 6 फुट है और हाइट 4 फुट है, तो अगर आपने 6 फुट को किया 7 फुट, तो हाइट हो जाएगी 4.5 फुट, मतलब कि जितना इंक्रीज हुआ उसका आधा हाइट में इंक्रीज कर देना है। तो सेकंड जो पार्ट आता है वो होता है हमारा उसका शटर्स, दैट्स इट, मतलब कि पल्ले, विंडो के अंदर पल्ले कौन से रखने। सबसे पहले कमेंट में लोग ये पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं कि सर विंडो जो है वो हम घर के अंदर की तरफ खोलें या बाहर की तरफ। कोशिश करो बाहर की तरफ, क्योंकि जब घर के अंदर की तरफ खोलते हैं तो अक्सर क्या होता है, विंडो जब अंदर की तरफ खुलती है जो उसका एज होता है, कोई छोटा बच्चा है चल रहा है तो उसके शार्प एजेस उसको लग सकते हैं। दूसरा, अगर आप विंडो खोल के बेड पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो तो वहां से उतरने में वो आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, आपको विंडो को थोड़ा सा खोल के रखना पड़ता है। कोशिश करो बाहर की तरफ। अब डिपेंड करते हैं कि आपने ग्रिल कहां लगी है, वो भी बहुत एक पैरामीटर डिपेंड करता है, वो मैं अगर आप कहोगे कि विंडो विद ग्रिल डिजाइन बता दो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब शटर्स को, पल्लों को बहुत ही प्रिसाइजली डिवाइड करना है, कुछ भी प्रिसाइजली डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे 3 हिस्सों में बांटना है, मतलब कि बीच का एरिया ज्यादा रखना है और लेफ्ट और राइट में आपको हमेशा शटर देने हैं, सेंटर को हमेशा फिक्स रखो। अब आप कहोगे यार मनीष जी सेंटर में फिक्स क्यों रखें, एक ग्लास जब पूरा दिखाई देता है तो हमें सामने से व्यू अच्छा होता है, नेचुरल लाइट के सोर्सेज बहुत ही सही तरीके से अंदर आते हैं। तो कोशिश करो बीच का जो स्पैन है वो हमेशा क्लियर ग्लास का रखो, लेफ्ट और राइट में हमारे शटर आने चाहिए। अब इनको 3 हिस्सों में कैसे बैठना है, सपोज करो 6 feet by 4 feet की विंडो है तो लेफ्ट और राइट कॉर्नर में हमेशा जो शटर का साइज है वो 18 इंच से कम नहीं करना है और 2.5 फुट से ज्यादा नहीं करना है, मतलब की 1 feet 6 inches से कम नहीं और 2 feet 6 inches से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। बाकी जो बचा इसका डबल, मतलब जो शटर्स में आपने जगह साइड में छोड़ी है वो डबल या ट्रिपल इसका होना ही चाहिए, इस हिसाब से डिजाइन करना है। अब सेकंड जो आता है वो होते हैं हमारे शटर्स, दैट्स राइट, कि यार मनीष अब ठीक है आपने विंडो तो बता दिया, साइज बता दिया, लेकिन इनके शटर कहां देने, एक दें, दो दें, तीन दें, कैसे दें। तो इसको हमेशा ऐसे बांटो कि सबसे पहले तो हमेशा जो शटर्स हैं वो वर्टिकल रखने हैं, बीच में डंडे नहीं डालने हैं, मतलब कि जो मैं कहता हूं डी फॉर डिजास्टर डिजाइन है, पहले फोटो देख लो, ये कभी नहीं लगाने।
तो कोशिश करो हमेशा वर्टिकल शटर साथ में हो और बीच में एक वर्टिकल ग्लास पूरा पूरा क्लियर दिखाई दे। अब आप पूछोगे वह बीच में क्लियर ग्लास क्यों, क्योंकि होता क्या है बीच में क्लियर ग्लास से नेचुरल लाइट सबसे ज्यादा आएगी बिना किसी रोक टोक के। अगर बीच में आपने हॉरिजॉन्टल मेंबर डाल दिया ना तो क्लियर जो लाइट आ रही है वो दब जाएगी, कट जाएगी। तो अगर ट्रिक समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये रेशियो आपको डिसाइड करना है कि वो जो शटर्स है उनका साइज क्या रखना है। बट एक चीज का ध्यान रखना, जो ट्रिक है इसमें वो है कि 1 feet 8 inches से नीचे का शटर नहीं लेना है और 2 feet 6 inches से ज्यादा बड़ा शटर नहीं लेना है। नहीं तो फिर इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर शटर्स देखने में एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं लगेंगे। अब जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है हमारा टाइप ऑफ मटेरियल। कि यार वो सब तो ठीक है मनी जी, हमें डिजाइन पता लग गया, शटर पता लग गया, लेकिन मटेरियल कौन सा लगाएं? हमारे घर में दीबक बहुत है तो क्या लकड़ी लगाएं, यूपीवीसी लगाएं कि एल्यूमिनियम लगाएं? देखो वैसे तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ऑलरेडी डाल दिया, जिसमें एल्यूमिनियम वर्सेस वुडन वर्सेस यूपीसी सब के डिटेल फायदे नुकसान मैंने इसमें बताया हुआ है। लेकिन मेजर मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली अभी मार्केट में 3 टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल है, वुड, यूपीवीसी और एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम में 2 होते हैं, मतलब कि एक ब्रॉड सेक्शन जिसमें एल्यूमिनियम के फ्रेम की थिकनेस मोटी होती है और एक होता है स्लिम प्रोफाइल वाला। अगर आपका बजट जो है अपर लग्जरी का है तो आपको जाना है एल्यूमिनियम स्लिम प्रोफाइल में। अब आपका अगर थोड़ा सा बजट अपर मिडल में है तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको जाना है यूपीवीसी में। अब आपका बजट आता है मिडल के अंदर तो आपको यहां वुड में जाना है। लेकिन मानो चाहे मत मानो, वुड में बहुत ही फायदे हैं क्योंकि वुड के अंदर कलर्स के ऑप्शन इतने सारे अवेलेबल हो जाते हैं जिससे कि आपका घर के साथ आप कलर से इतने तरीके से प्ले कर सकते हो ना कि आप भी खुश हो जाओगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है हमारा क्या कि विंडोज का कलर। दैट्स राइट। अब इसमें आपको कलर क्या करना है, अगर हम वुड सेक्शन में जाते हैं जो 80% हमारे इंडिया में वुड पे जाना प्रेफर करते हैं, आजकल यूपीवीसी भी आ गया उसका भी आगे बताऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, अगर वुड में जाना है तो आपको जाना है व्हाइट एनएमएल में। आप पीयू भी करा सकते हो डुगो, लेकिन एनएमएल बेस्ट इन बजट और अच्छी लाइफ में होता है। तो एनएमएल मैट फिनिश, कलर कोड इज L146 ऑफ एशियन पेंट्स। ये करा दो भाई साहब, क्या विंडो लगेगी, थोड़ा देखो। और अगर व्हाइट नहीं जाना है तो फिर जाना है आपको ब्लैक में, अगेन मैट फिनिश, वो आप कलर अपने हिसाब से चुन सकते हो। तीसरा आप जा सकते हो ग्रे कलर में, अगेन उसका कोड ये है। और अगर आप थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी या लुक वाइज प्ले करना चाह रहे हो या अपने घर के अंदर कुछ चेयरफुल चीजें डालना चाह रहे हो तो फिर आप ये फोटो डाल सकते हैं। अब कलर वाइज आप विंडो फ्रेम्स की थोड़ी फोटो देखो। अब आता है वो एलिमेंट जिसका वेट कर रहे थे कि भाई मनीष वो एलिमेंट बताओ कि हम भी अगर अपने घर में विंडो में डाल दें हमारी विंडो भी लगे बिल्कुल की बिल्कुल लग्जरी। अब ये मटेरियल मार्केट में है तो पहले से ही, लेकिन किसी को पता नहीं है, इसको बोलते क्या है वो पता नहीं है, इसलिए किसी के लोगों की नज़रों में आ नहीं पाती। इसे बोलते हैं जॉर्जियन बार्स। तो अगर जॉर्जियन बार्स आपने डाल दिया तो आपकी विंडो एक सेगमेंट ऊपर चली जाएगी। सबसे बड़ा फायदा जो है जॉर्जियन बार्स का वो ये है कि अगर आपके घर का व्यू अच्छा नहीं है बाहर का, तो जॉर्जियन बार डालने से होगा क्या कि आपके कोई भी जो भी गेस्ट आ गया आपकी नजर सबसे पहले जॉर्जियन बार्स पे जाएगी रेदर देन आउटसाइड। इसे हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं, हम डिजाइनर्स को आता है कि हमें ये डिजाइनर के हाथ में होता है कि उसे क्या चीज दिखानी है क्या चीज नहीं दिखानी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं आपकी नजरें इस वॉल पे ही रहें तो मैं छत को बिल्कुल डार्क कर दूंगा, फ्लोर को बिल्कुल डार्क कर दूंगा, जिससे कि आपकी नजरें वहीं रहेंगे और लाउड कलर्स के साथ मैं प्ले करूं। तो ये ट्रिक्स होती हैं जो अलग अलग हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि एक जॉर्जियन बार्स हर जगह अवेलेबल हो, दिल्ली में तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन बाहर अब आपको क्या करना है भाई, हम हैं इंडियंस, हम ढूंढ लेते हैं हर चीज का जुगाड़। और अगर आप इंजीनियर हो और आपने भी कोई जुगाड़ किया तो नीचे कमेंट कर दो #जुगाड़। तो यहाँ पे आप किस मटेरियल के साथ प्ले कर सकते हो, आप नॉर्मली विंडोज अगर आपकी इंटीरियर में, तो MDF की पट्टी लेके आनी है और इसे यूवी ग्लू से चलाना है, मतलब कि कोई फेविकोल नहीं, कोई फेविकोल नहीं, कुछ नहीं डालना है, यूवी ग्लू, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लू है, इससे चिपका दो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से आप चिपका सकते हो, देखने में बढ़िया लगे और ग्लू के कोई मार्क्स नहीं आएंगे। अब आपको यार मनीष हमारे तो MDF भी नहीं है, अब क्या करें, कोई बात नहीं। तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो है MS। दैट्स राइट, MS के स्क्वायर या रेक्टेंगल पाइप्स आपको लेके आने हैं और इस फ्रेम में बना देना है। और यकीन नहीं होता, ये मेरे कैफे में लगे हुए हैं, मैंने जॉर्जियन बार्स का प्ले किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी रिसेंटली जो विंडो बनाया है उस विंडो की मैं आपको फोटो देखता हूँ, बिफोर और आफ्टर। अब
अब ये वीडियो देखा आपने, अब ये बजट जो है, जो जियोजन बास का बजट यहाँ था वो अब यहाँ आ गया है इसकी वजह से। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने कमेंट किया था कि हर महीने में दो दो चैप्टर्स आते रहेंगे, वो ऑलरेडी वेबिनार के कोर्सेज में आ रहे हैं, वहां से आप जाके उसे देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पीपीटीज को। और होम केयर प्रोडक्ट्स की लिस्ट जल्दी आने वाली है, जो आपको पूरा एक पैकेज मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और यार लाइक में कंजूसी मत करना, इतना कंजूसी तो नहीं था, पैसे थोड़े लगते हैं लाइक के, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और गाइस 20 जुलाई को हम जो लाइव आ रहे हैं, जिसमें हम फ्यूचर ऑफ इंटीरियर डिजाइन के बारे में पूरी चीजें रिवील करने वाले हैं, उसका लाइव ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसमें फटाफट जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि 17th of July के बाद ये लाइव पेड हो जाएगा।